झारखंड में अभी भ्रष्टाचार, अवैध खनन और काली कमाई के चर्चे आम हैं। हर जुबा पर या तो पूजा सिंघल या तो ईडी का नाम है। जितना मुंह उतनी बातें हो रही है सो अलग। पूजा सिंघल अभी देश दुनिया में चर्चा में है। उनकी खबरें तमाम मीडिया से लेकर सोशल साइटों पर सुर्खियां बटोर रही है। लोग बाग उनकी निजी जिंदगी से लेकर उनके हर एक अपडेट को जानना चाह रहे हैं। मनरेगा घोटाले के मामले में पिछले दिनों ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की खान उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ और जांच के क्रम में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ईडी की माने तो पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी में उनके हाथ ऐसे सनसनीखेज दस्तावेज लगे हैं जो सार्वजनिक हुए तो हड़कंप मच जाएगा। ईडी ने बीते दिन झारखंड हाई कोर्ट को बताया है कि जांच एजेंसी इन अलार्मिंग डॉक्यूमेंट्स को अदालत को दिखाना चाहती है। इसके बाद कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ ये दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करा दिए गए हैं। 17 मई को विशेष अदालत बैठेगी, तब हड़कंप मचाने वाले इन दस्तावेजों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इधर ईडी ने उनके पति अभिषेक झा, सीएस सुमन कुमार से लंबी पूछताछ के बाद इन घोटालों के तार कई रसूखदारों से जोड़े हैं। इस कड़ी में झारखंड के कई जिलों के खनन अधिकारियों को ईडी ने समन किया है, जिनसे 16 मई को पूछताछ होगी। पूजा सिंघल से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।